बॉलीवुड देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा यानी सिमरन हंस का प्यार भरा नमस्कार। बॉलीवुड के गली बॉय यानी रणवीर सिंह के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है। जी हाँ, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर मूवी गली बॉय जो है 92nd अकेडमी अवार्ड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए नॉमिनेट की गई है इंडिया की तरफ से। जी हाँ, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो चुकी है फिल्म गली बॉय। गली बॉय फिल्म की बात करें तो ये फिल्म बेस्ड है एक रैपर की जिंदगी पर, रियल लाइफ पर। और अगर हम इस रैपर की बात करें तो मुराद का कैरेक्टर प्ले किया है रणवीर सिंह ने। और इनके अपोजिट हमें नजर आई थी आलिया भट्ट। इस फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो जोया अख्तर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। वहीं अगर हम बात करें इस फिल्म की स्टोरी लाइन और कंसेप्ट की तो ये फिल्म एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी पर बेस्ड है जो कि मुंबई के रैपर्स डिवाइन और नाइजी की लाइफ पर बेस्ड है। फिल्म को प्रोड्यूस किया फरहान अख्तर ने और फरहान अख्तर ने रिसेंटली ट्वीट करके इस बात के बारे में जानकारी भी दी है अपने फैंस को और सबको कि ये जो फिल्म है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। अब देखना ये होगा कि गली बॉय फिल्म ऑस्कर लाती है या नहीं। बस हमारी तरफ से तो बेस्ट विशेस है रणवीर और आलिया की ये फिल्म जो है ऑस्कर जीत के ही इंडिया आएगी। गली बॉय ने जैसे बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया, हमें उम्मीद है ऑस्कर अवार्ड्स में भी ये फिल्म कमाल कर देगी। वेल, रणवीर और आलिया के फैंस का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।